को आज 13 फिस्ट के लिए बाजू कटिंग करके बताऊंगी। 13 फिस्ट के लिए हम इसका आरमूल लेते हैं 6 इंच और इस बाजू में हम लेंगे इसका 7 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा होता है जो हमारे गोले के अंदर एक्स्ट्रा चले जाएगी। पहले इसको सीधा काट देंगे, या मैंने कपड़ा फोर लेंथ में यहाँ पे बिछा के रखा है, 1 इंच नीचे का फोल्डिंग में का ले 1 इंच फोल्डिंग के लिए लूंगी और 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए लूंगी मैं। इसकी लंबाई है 17 इंच, तो मैं यहाँ पे लूंगी 18.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा काप लूंगी। ये मैंने 1/2 इंच ऊपर से ले लिया क्यों हमारे सिलाई में आ जाएगा, और 7 इंच यहाँ से लूंगी मैं और 3 इंच यहाँ से, 3 इंच की गहराई लेंगे और 7 इंच की चौड़ाई लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच जो हमारा 8 है, तो इसका 1/2 4 होगा, तो हमने यहाँ से 4 ले लिया और 1.5 इंच इसका भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। यहाँ से मैंने 7 इंच लिया है और यहाँ से लिया है 3 इंच, यहाँ से 7 लिया। अच्छी तरह से देख लें आप, यहाँ से ये फर्स्ट वाली होगी तो हमारे यहाँ से सिलाई आएगी यहाँ से, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ी जाएगी, और यहाँ से हम गोलाई में इसे मार्किंग कर लेंगे। हम इसकी अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ से आप गोलाई दे दें, आपको आर्मोल कटिंग करना 6 इंच का, 6 इंच का कटिंग करेंगे तो हमारे ये 7 इंच बाजू में हम 7 इंच लेंगे, और इसकी गोलाई में करीब 1/2 इंच से थोड़ी ज्यादा लूंगी। यहाँ पे कट लगा दूंगी और हम इसमें 2 भाग में कटिंग करेंगे गोलाई का। आप देख लें, चेक कर लें, इसमें 2 भाग नीचे की तरफ रखना है, 2 भाग ऊपर में, 2 भाग में हम गोलाई कटिंग करेंगे। आपको समझ नहीं आए तो इसलिए आपको सीधा करके भी इसको गोलाई काट सकते हैं ऐसे। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई।